हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। पिछले जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने आपसे बात की थी डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड्स। तो वहाँ पर हमने बात की थी शुगर एसिड्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स दिए थे शुगर एल्कोहल्स, एल्डिटोज, अमीनो ग्रुप्स, एल एस्कॉर्बिक एसिड, टी ऑक्सी शुगर्स। तो वहाँ पर ही हमने आपसे फ्यूजन स्टेनिंग के बारे में भी बात की, जो क्या करती है डीऑक्सी राइबोज जो शुगर है उसको डिटेक्ट करती है, वहाँ से आप डीएनए को उस टिश्यू में पता कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं डाइसेक्राइड्स की। तो डाइसेक्राइड में हम बात करने जा रहे हैं, तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। एमोंग द ऑनिसेक्राइड्स डाइसेक्राइड्स आर मोस्ट कॉमन एज इज एविडेंट फ्रॉम द नेम। डाइसेक्राइड कॉन्सिस्ट ऑफ टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स, सिमिलर और डिसिमिलर। तो दो मोनो डाइसेक्राइड किसे कहेंगे कि दो होनी चाहिए आपके पास मोनोसेक्राइड्स। वो क्या है, सेम भी हो सकती हैं और सेम नहीं भी हो सकती हैं। मतलब मोनोसेक्राइड ही यूनिट हो सकते हैं दो, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि एक जैसी मोनोसेक्राइड हो, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज, ठीक है। तो इसको कहते हैं डाइसेक्राइड। हैज टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, और बॉन्ड है ये, एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर लें। दे आर क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन है, वाटर सोलूवर है और स्वीट है टेस्ट में। द डाइसेक्राइड आर ऑफ टू टाइप्स, डाइसेक्राइड दो प्रकार के हैं। पहला है रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड विद फ्री एल्डिहाइड्स और कीटो ग्रुप्स, एग्जाम्पल माल्टोज लैक्टोज। यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन का जो ग्रुप होता है वो ग्रुप फ्री रहता है। और अगर हम बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स की, तो नो फ्री एल्डिहाइड। नॉन रिड्यूसिंग यानी कि वो काम में आ रहे हैं, किसमें, रिडक्शन में ऑफ डाइसेक्राइड के। तो एग्जाम्पल है सुक्रोज है, ट्रीएलोज। अब इसी प्रकार से हम माल्टोज की बात करते हैं, तो माल्टोज जो है ये कंपोज है टू अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड टुगेदर बाय अल्फा 1-4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट ऑन सीवन ऑफ सेकंड ग्लूकोज आंसर्स द रिड्यूसिंग रिएक्शंस बिसाइड्स द ओसाजोन फॉर्मेशंस सनफ्लावर शेप। माल्टोज कैन बी हाइड्रोलाइज बाई डाइल्यूट एसिड और द एंजाइम माल्टेज टू लिबरेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज जो है उनसे मिलकर के बनता है, दो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर के बनता है माल्टोज। उनमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है अल्फा कार्बन 1-4 तक, और C1 वाला जो कार्बन है वो क्या है, फ्री रहता है, लेकिन बॉन्ड वहाँ से आगे जो चलता है, यानी कि C वाला फ्री रहेगा, बाकी के वहाँ से आगे बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड चलेगा और ओसाजोन का फॉर्मेशन करेंगे जो कि सनफ्लावर शेप का है। माल्टोज को डाइल्यूट एसिड के द्वारा या फिर एंजाइम माल्टेज के द्वारा, ये इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आने वाला है, तो डाइल्यूट एसिड के द्वारा या एंजाइम माल्टेज के द्वारा इसको क्या है, हाइड्रोलाइज किया जा सकता है दो अल्फा डी ग्लूकोज में, एंड जिनसे मिलकर के बन रहा है उनको वापस लाया जा सकता है डाइल्यूट एसिड के द्वारा या माल्टेज एंजाइम के द्वारा। इन आइसोमाल्टेज द ग्लूकोज यूनिट्स आर हेल्ड टूगेदर बाई अल्फा 1-6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दो ग्लूकोज की यूनिट्स जो हैं वो आपस में जुड़ जाती है तो वो आइसो माल्टेज कहेंगे, और 1-6 तक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होनी चाहिए। इसी तरीके से हम बात करते हैं सेलो बायोज की। इज द एनोदर डाइसेक्राइड आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर विद माल्टोज। सेलो बायोज जो होता है वो भी डाइसेक्राइड है
और उसकी स्ट्रक्चर माल्टोज जो है उसके लगभग लगभग जैसी है एक्सेप्ट द फॉर्मर बीटा, वहां पर अल्फा लिंकिंग थी, यहाँ पर बीटा वाली वंशपुर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सेलोबायोज इज फॉर्म ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज के हाइड्रोलाइसिस पर ये सेलोबायोज बनता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, माल्टोज में माल्टोज को पढ़ा है, उसके बॉन्डिंग को पढ़ा है, उसके ओसाजोन फॉर्मेशन को पढ़ा है, उसके हाइड्रोलाइसिस को पढ़ा है माल्टोज के, ठीक है। फिर हमने आइसो माल्टोज को पढ़ा है और सेलोबायोज को पढ़ा है। अब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स आपसे सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज को हम कैन शुगर भी कहते हैं, इट द शुगर ऑफ कॉमर्स, मोस्टली प्रोड्यूस बाई शुगर केन एंड शुगर बीट्स। शुगर इज मेड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। तो ये किससे मिलकर के बना होता है सुक्रोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। द टू मोनोसेक्राइड्स आर हेड टूगेदर बाई ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अल्फा वन से बीटा टू बिटवीन कार्बन वन ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कार्बन टू ऑफ बीटा फ्रुक्टोज। द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग। जो रिडक्शन करने वाले ग्रुप्स होते हैं वो काम में आए रहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में, इस वजह से इनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। इट कैन नॉट फॉर्म ओसाजोन, तो ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये कि ओसाजोन का फॉर्मेशन रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो होती हैं उनके डिफ्रेंशिएशन में काम आता है। सुक्रोज इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डायट्री कार्बोहाइड्रेट, इट इज स्वीटर देन मोस्ट अदर कॉमन शुगर्स एक्सेप्ट फ्रुक्टोज, नेमली ग्लूकोज लैक्टोज माल्टोज। सुक्रोज इज एम्प्लॉयड एज ए स्वीटनिंग एजेंट इन फूड इंडस्ट्री। द इंटेस्टाइनल एंजाइम सुक्रेज हाइड्रोलाइज सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज विच आर एब्जॉर्ब। तो जब डाइजेशन पढ़ते हैं तो वहां पर इंटेस्टाइनल एंजाइम होता है सुक्रेज, वो उसको सुक्रोज को तोड़ता है किसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, जिनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज एज सच इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस 66.5 डिग्री, बट व्हेन हाइड्रोलाइज सुक्रोज बिकम्स लेबोरेटरी माइनस 28.2 डिग्री। तो सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस पर ये कैसा हो जाता है, लेबोरेटरी हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द ऑप्टिकल रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस 1 टू लेबोरेटरी माइनस इज रेफर टू एज इन्वर्जन। तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन, ये जो इसका ऑप्टिकल रोटेशन हो रहा है इसे हम कहते हैं इन्वर्जन। द हाइड्रोलाइज मिक्सचर ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का हाइड्रोलाइज मिक्सचर कंटेनिंग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो सुक्रोज का जो हाइड्रोलाइज मिक्सचर होता है उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पाए जाएंगे, ये कन्फर्म है, इज नॉन एज इनवर्ट शुगर। तो इस कारण से इसको इनवर्ट शुगर कहा जाता है। केन शुगर से अब ये क्या हो गई है, इनवर्ट शुगर हो गई, कब, हाइड्रोलाइज। अगली बात सुन, कब हो गई है, हाइड्रोलाइज। द प्रोसेस ऑफ इनवर्जन इज एक्सप्लेन बिलो। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज By enzyme sucrase invertase or dilute acid liberates one molecule of each of glucose and fructose. It is postulated that sucrose dextrose first split into alpha D glucopyranose plus 52.5 degree and beta D fructofuranose both being dextrorated. सबसे पहले क्या है, ग्लूको पायरेनोज जो कि प्लस वन वाला होता है अल्फा डी उसमें कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद बीटा फ्रुक्टोफ्यूरोनोज के द्वारा, जो दोनों के दोनों ये डेक्स्ट्रोरोटेट होते हैं। हाउएवर बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरोनोज इज लेस स्टेबल। अच्छा, ये वाला जो होता है ये लेस स्टेबल होता है, इस वजह से क्या होता है, इमिडिएटली गेट्स कन्वर्टेड टू बीटा डी फ्रुक्टोपायरेनोज, यानी कि ये इस जैसा बन जाता है, विच इज स्ट्रांगली लेबोरेटरी। तो ये क्या है, बीटा डी फ्रुक्टोपायरेनोज होता है वो क्या होता है, ये स्ट्रांगली लेबोरेटरी होता है,
तो अब माइनस 92 में से